एवरीवन, आपके प्री क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको मैं आपका सिलेबस समझा देती हूँ। क्लास टेंथ के लिए है जो सिलेबस, आपका जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसी से क्वेश्चन आएंगे। जितना पढ़ाया गया है उतने से ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का टाइप्स क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू आर फॉल्स, एमसीक्यू, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। तो ये चार टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे जो कि आपको अपने बुक में नहीं मिलेंगे, ना आपके बुक में फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, ना वर्ड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे और ट्रू और फॉल्स भी नहीं होंगे। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होना है तो इस तरह के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, बनाए जाएंगे। तो आपको बुक प्रॉपर तरीके से पढ़नी है अपनी, उतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है। तो आपको मैं पहले बता दूँ, आपका सिलेबस हिंदी क्षितिज से पहला आपका पद्य खंड से है, सूरदास की जो रचना है पद उसको आपको पढ़ना है। फिर है गद्य खंड में स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत। ये तीन चैप्टर आपके हिंदी क्षितिज से हो गए। इसके अलावा हिंदी कृतिका से माता का अंचल जो है शिव पूजन सहाय की रचना, इसको आपको पढ़ना है। यानी आपके टोटल चार चैप्टर आने वाले हैं हिंदी में एग्जाम में। तो आपको ये चारों चैप्टर तैयार करने हैं। कैसे तैयार करने हैं, आप पहले तो आप लेखक के बारे में पढ़ेंगे। लेखक के बारे में क्या पढ़ेंगे, लेखक का जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा यानी उनका जो पढ़ाई है वो कहाँ हुई, उन्होंने क्या क्या किया, प्रमुख रूप से उन्होंने क्या मुख्य क्या कौन सा कार्य किया जो उल्लेखनीय है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं या उनकी रचनाएं कहाँ संकलित हुई हैं, इस तरह की बातें, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने और कौन सा कार्य किया जिसके लिए उनको उल्लेखनीय है वो या उनको याद किया जाता है, इस तरह की सारी बातें, उनके उपनाम क्या हैं, इस तरह की बातें आपको लेखक के बारे में याद रख करनी है। इसके अलावा चैप्टर से आप क्या पढ़ेंगे, चैप्टर को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी चैप्टर की लाइन ही रहती है जिसको आपको फिल करना होता है, जैसे आप छोटे क्लासेस में करते थे वो भी आ सकता है। तो चैप्टर को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, चैप्टर के बारे में कौन सी घटना कब हुई, अगर रिपोर्टार्ज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें घटनाक्रम सन ईस्वी के अनुसार रहता है तो उसको भी आपको ध्यान में देना है, कब कहाँ क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो शब्द संपदा यानी वर्ड मीनिंग जो है आपकी, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, समानार्थी पूछा जा सकता है या अर्थ पूछा जा सकता है, क्योंकि वन वर्ड ही क्वेश्चन आने हैं, तो आपको शब्दार्थ भी अच्छे से तैयार होने चाहिए, उससे आपको बहुत ईजी होगा आंसर करने में। तो ये आपका सिलेबस है, ये चारों चैप्टर आपको तैयार करने हैं हिंदी क्षितिज के, तीन चैप्टर पद्य खंड से एक और गद्य खंड से दो, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, और पद्य खंड से आपने पद ही सिर्फ पढ़ा है सूरदास का तो उसको पढ़ना है। हिंदी कृतिका का सिर्फ फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल ही पढ़ना है, उसके में शिव पूजन सहाय जो लेखक हैं उनके बारे में। तो आप चारों चैप्टर में लेखक के बारे में और प्लस लेसन डिटेल में ये आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। थैंक यू।